हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईएससी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले इस बार के प्रैक्टिकल में, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिलिएसी फैमिली। तो आज हम लिलिएसी फैमिली का के फ्लावर की सेक्शन कटिंग को देखेंगे। तो लिलिएसी फैमिली के फ्लावर ट्यूबरोज को हमने लिया है आज। ट्यूबरोज फ्लावर जो है वो लिलिएसी फैमिली का मेम्बर है। इस फ्लावर की आज हम सेक्शन कटिंग देखेंगे। इसमें जैसा कि हम जानते हैं, इस फ्लावर को ध्यान से देखें तो इसमें पेरियंथ होता है, ना कि कैलेक्स करोला। कैलेक्स और करोला फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज पेरियंथ। और इसकी सिंगुलर फॉर्म को, एक पोर्शन को, एक लीफ को टेपल बोलते हैं। तो इसका हमारे जो प्रैक्टिकल है उसमें इसकी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कटिंग है और ओवरी की सेक्शन कटिंग है। तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से करना है। इसका हमें हाफ सेक्शन जो है वो ब्लेड से काटना होगा और इसको हम हाफ सेक्शन ब्लेड से, इस फ्लावर का हाफ पोर्शन ये काट के निकालेंगे। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने इसको ब्लेड से हाफ सेक्शन इसका कट करके निकाल लिया है। ये LS है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये स्टिग्मा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। इस स्टिग्मा को इस तरह से करके इसके ऊपर लेबलिंग कर देंगे स्टिग्मा की यहाँ पर। फिर इसकी जो लॉन्ग ट्यूब है इसको स्टाइल की लेबलिंग करेंगे। और स्टाइल के बाद अब हम इसके पॉलन ग्रीन को देखते हैं। ये एंथर लोब है, इसकी लेबलिंग करेंगे। नीचे फिलामेंट है, इसकी लेबलिंग करेंगे। और क्योंकि इसकी सिंगुलर फॉर्म को टेपल कहते हैं पेरियंथ की, तो पेरियंथ या टेपल की लेबलिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। फिर नीचे वाला जो पोर्शन है थैलेमस, यहाँ पे इसकी लेबलिंग करेंगे। इसकी नीचे की डंडी जो होती है इसको हम पेडिसिल की लेबलिंग करेंगे। और यहाँ पर ओवरी वाला पोर्शन है जिसकी हमें सेक्शन कटिंग करके उसका प्लेसेंटेशन दिखाना है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, तो इस तरीके से LS ऑफ फ्लावर हमें निकालना है। इसे फैमिली लिलिएसी के नाम से या MIRLIDAC के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से सारी लेबलिंग करके हमें इसको रखनी है। तो अब हम इस फ्लावर के दूसरे वाले पोर्शन को लेके यहाँ से इसका सेक्शन कटिंग करके इसका प्लेसेंटेशन शो करेंगे ओवरी का। यहाँ से इसको हम ब्लेड से कट कर देंगे, ये वाला पोर्शन। इसकी पतली सी स्लाइस हम ब्लेड की हेल्प से इसको निकालेंगे। तो हमें दो फ्लावर मिल सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हम एक को तो LS के लिए ऐसे रख देंगे लेबलिंग करके, और दूसरा फ्लावर जो है उसकी हम यहाँ पे सेक्शन कटिंग करके इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको एक ही फ्लावर मिलता है एग्ज़ाम में, तो आप नीचे वाले पोर्शन से इसका ब्लेड से एक पतला सा फाइन सेक्शन यहाँ से ऐसे कट करके निकालेंगे और उसका प्लेसेंटेशन शो करेंगे। या तो आप इसी पेज पे कर सकते हैं या दूसरे पे। आप इसके अलग अलग पोर्शन की भी लेबलिंग कर सकते हैं, जैसे इसकी आप अलग से कर सकते हो। ये इसमें एंथर लोब है और ये पूरे को स्टैमेन कहते हैं, और ये वाला पोर्शन फिलामेंट है, ऊपर एंथर लोब है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। ऐसे आप चाहो तो स्टिग्मा की स्टाइल ओवरी की अलग अलग करके भी ऐसे निकाल के दिखा सकते हो। ये ऊपर वाला स्टिग्मा वाला पोर्शन है, फिर ये स्टाइल है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। फ्लोरल फॉर्म इज नोन एज गाइनोशिया। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब हम इसका ओवरी का सेक्शन काट के दिखाते हैं आपको। तो हमने इसका सेक्शन काट लिया है, ध्यान से देखें। इसमें आपको ध्यान से देखना है, हैंड लेंस की हेल्प से देख सकते हैं और डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी। तो इसमें हमें जो है एग्जाइल प्रेजेंटेशन देखने में नज़र आएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा जब हम इसे हैंड लेंस से देखेंगे, या फिर डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये सेम टू सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो इस तरीके से हम लिलिएसी फैमिली को इस बार बोर्ड प्रैक्टिकल में डिस्क्राइब करेंगे, और इसको आप टेप से फिक्स भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें एग्जामिनर को दिखाना होगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।